अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। आपका अपना मलंगी होगा। आज एक हम ऐसी वीडियो लेके आए जिसमें हम आपको बताएंगे कि फॉइल पेपर के ऊपर परफेक्ट होल किस तरह करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो फ्लेवर जलता है जिस तरह हमारे गले में लगता है, ये देखें, ये वो फॉइल पेपर होता है। आप फ्लेवर ज़्यादा डाल देते हैं उसकी वजह से, ये देखें, ये फॉइल पेपर के साथ लगता है और आपका फ्लेवर जल के आपके गले में लगता है, वो हार्ड हो जाता है शीशा। ये देखें, ये मैंने एक फॉइल पेपर लिया है जिसमें फ्लेवर कम लगा है और यहाँ पे कोई फ्लेवर जलने का निशान नहीं है। आपको मैं बताऊँगा कि परफेक्ट चिलम किस तरह लगाएंगे जो आपके फॉइल पेपर के साथ फ्लेवर ना लगे। मैंने ये अल्फाखिर का मिंट लिया है और अफजल का पान लिया। आप कोई भी फ्लेवर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, ये मैंने इसके अंदर मिंट लिया और ये मैंने पान ले लिया। अब मैं इसको मिक्स करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये मैंने इसको मिक्स किया। कोशिश करा करें कि चिलम के अंदर ही मिक्स करें इसको, क्योंकि जो इसका रास्ता है और इसका जो टेस्ट है ना, सारा वो चिलम के अंदर ही रह जाता है। कि ज़्यादा आपने फ्लेवर नहीं डाल लेना, इतना ज़्यादा कि आपके फॉइल के साथ लगे। ये देखें, ये एक होल में आपने छोड़ना है और आपने ये बस इधर बॉर्डर तक आपने फ्लेवर रखना, ऊपर बिल्कुल नहीं लेके आना कि आपके फॉइल पेपर के साथ चिपके। वो फिर आपका शीशा इस तरह हार्ड हो जाता है, चिलम फजूल हो जाती है इस तरह। ये देखें, ये देखें। उसके बाद मैं आपको ये बता दूं, ये देखें जिस तरह ये फॉइल पेपर का सीधा हिस्सा, ये उल्टा हिस्सा। मैंने कई भाइयों को देखा है और कई भाई पूछते भी हैं कि फॉइल पेपर की कौन सी साइड चढ़ानी चाहिए। तो जिस पर ज्यादा शाइन होती है वो आपका फ्लेवर बचाने के लिए होती है, कि आपका फ्लेवर लग भी जाए तो इतना हार्ड जल्दी नहीं होता। उसको आपने नीचे लगाना, भाइयों ने कुछ हमारे ऐसे लगाया होता है। जो कम शाइनिंग वाली जगह वो आपके ऊपर आनी चाहिए। यह देखा आपने, ये इसको यूं थोड़ा सा टाइट करना है। एक साइड से आपने यूं पकड़ना है और दूसरे साइड से आपने यूं पकड़ के ये आपने पकड़ लेना। आपका बिल्कुल टाइट आपका फॉइल पेपर लगेगा। ये देखें, और आपने इसको यूं प्रेस कर लेना है। ये उसके बाद आपको मैं ये बता दूं, कई हमारे भाई ये देखें इस तरह फ्लेवर ना सुराख करते हैं यूं, और उससे ये होते हैं टेढ़े मेढ़े और ज़्यादा सही नहीं होते। और ये देखें जिस तरह ये यूं खराब हो जाते हैं। इसके अंदर से आप जो कोयले फ्रेश कर रहे होते हैं उसकी ऐश अंदर जाती है, अगर थोड़े बड़े हो लो, और वो फिर आपके गले में जाती है। आपने यूं बिल्कुल नहीं करनी। अब मैं आपको बताऊंगा परफेक्ट होल किसको कहते हैं, किस तरह करने हैं आपने। ये देखें, आपने सबसे पहले यहाँ साइडों पे होल कर लेने हैं, बिल्कुल आराम से आपने करने हैं, जल्दबाजी नहीं करनी। ये देखें, आपने साइडों पे कर ली। उसके बाद आपने यूं लाइन खींच लेनी है, ये यूं, कि ना ज़्यादा बड़े हो लो, बिल्कुल परफेक्ट हो लो और ऐश वगैरह बिल्कुल अंदर ना जाए और देखने में भी अच्छा लगे। ये देखें, ये आपने इस तरह होल कर लेने हैं सीधी लाइन। ये देखें, अब मैं आपको बता दूं कि कोयले सही रखने का तरीका क्या है। कुछ हमारे भाई ये देखें यूं करके ऊपर ही इसको साफ करते हैं, वो देखें ऐश अंदर जाती है और वो नुकसानदेह चीज़ आपके गले तक पहुंचती है। आपने साइड पर रख के इसको फूंक मार के आपने इसको साफ कर लेना। और आप कुछ भाई यूं रख के और जल्दी से स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। आपने पहले इसको अच्छी तरह लाल कर लेना नीचे से। आपने सबसे पहले इसको यूं रखना है, फिर इसको लाल कर लेना। आपने इसको, ये देखें, आपने इसको पलटना है, फिर उसके बाद आपने इसको पलटना है। और आपने चिलम के ऊपर रख के फ्रेश नहीं करना, अपने साइड पे करना। चिलम स्टार्ट करने से पहले हमेशा आप अपने कोयले फ्रेश कर लिया करें और साइड पर रखकर फ्रेश किया करें, ऐश आपके ऊपर ना आए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।